मार्च 2018 तक के पानी के बिल का भुगतान कर चुके जमनीपाली साड़ा स्थित बैंक कॉलोनी निवासियों के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। बीते तीन दिनों से वहां के लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उन्होंने जब नगर निगम के दर्री जोन के प्रभारी अशोक बनाफर से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने उल्टे शिकायत करने आए लोगों को ही कायदा कानून समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने शिकायत करने पहुंचे लोगों को कहा कि आपको जिससे शिकायत करनी है कर सकते हैं, वे पानी का कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। लोगों के मुताबिक दर्री जोन के इंचार्ज अशोक बनाफर पर इस दौरान महिलाओं से भी अभद्रता किए जाने का आरोप लग रहे हैं। हम लोगों को पानी की समस्या है, तीन दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और हम नगर निगम गए थे, वो लोग हम उल्टा सीधा बोल दिए कि आप एजीएम के पास जाओ, आप अपने कमिश्नर के पास जाओ, ये सब बोला गया। क्या नाम है उनका, जो अधिकारी जो जानते हो क्या उनको? अशोक बनाफर। अशोक बनाफर, अशोक बनाफर, हाँ, बदतमीजी से हाँ, जहाँ कंप्लेन करना है वहाँ कर दीजिए। हम लोग उनका पानी बंद कर दिया है, हम हर महीना का बिल भर रहे हैं और फिर भी पानी बंद हो, हमें एक्स्ट्रा भर चुके हो ज्यादा। कितने महीने हो गए आप लोग पानी नहीं आ रहा? हमारा तो हर महीना भर रहा है मगर तीन महीना का हम ज्यादा भर चुके हैं, अभी एडवांस भर चुके हैं उसमें। साड़ा कॉलोनी जमनीपाली की पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर आया हूँ। कल विगत तीन दिनों से हमारे यहाँ पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। जब इसकी शिकायत लेके हम नगर निगम जमनीपाली में गए तो वहाँ के अधिकारी अशोक बनाफर ने कहा कि इसकी शिकायत आप चाहे आयुक्त से कर दें चाहे कमिश्नर से कर दें, पानी सप्लाई आप लोग को नहीं दी जाएगी, जहाँ कंप्लेन करना है आप लोग कर दीजिए। हमारे साथ महिलाएँ भी थी जिसके साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया और बोला कि आप लोग को यहाँ रहना है तो रहो और जहाँ कंप्लेन करना है आप कर सकते हैं, लेकिन पानी की सप्लाई आप लोग को नहीं दी जाएगी। अभी हम अपने महाप्रबंधक एजीएम साहब से हमारी शिकायत लेके आए हैं और यहाँ से भी आप बात नहीं मिली तो फिर हम आगे कलेक्ट्रेट और महापौर के पास भी अपना शिकायत लेके जाएंगे। इससे हमारे आधे से ज़्यादा लोगों ने मार्च 2018 तक का बिल पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने काट दिया है। और जब उनसे बोला गया कि जब हमने बिल एडवांस पे कर दिया है तो हमारा बिल क्यों काटा गया है, तो उन्होंने बोला कि जो बात करना है आप अपने हमारे आयुक्त से या कमिश्नर से करें और हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो बात करना है वहीं जाइए। पीड़ित कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत महाप्रबंधक से की है। उन्होंने लोगों को इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साड़ा कॉलोनी के पीड़ितों का कहना है कि अगर आगामी सात दिनों के भीतर उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो वे जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत पत्र भी सौंपेंगे। जो भी इश्यूज हैं आए थे मिलने के लिए तो उनको मैंने तुरंत कहा है कि हम इश्यू को टेकअप कर रहे हैं। एक्चुअली इशू के डिटेल्स क्या है ये भी नहीं मालूम कि कितने लोगों के बिल पे हुए हैं, नहीं, क्योंकि जो लोग आए थे वो तो बोल रहे हैं सर हम सब बिल टाइम पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों ने बिल पे नहीं किया हो या जो भी इशू है, तो हम नगर निगम और जो दूसरे अधिकारी हैं जो पानी की सप्लाई वाला देखते हैं उनसे तुरंत बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसको इशू को तुरंत रिजॉल्व कर लेंगे। गौर करने वाली बात है कि निगम के बेलगाम अधिकारी आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं है। वे लोगों को आयुक्त के पास जाने तक की बात कहने से नहीं चूक रहे। इससे समझा जा सकता है कि अफसरशाही में उलझी इस व्यवस्था में आमजन किस तरह अपना निर्वहन करने पर मजबूर है।